देखिए आकांक्षा जी, आकांक्षा जी इधर मैम यहाँ पर है क्या आकांक्षा जी यहाँ पर मैम इधर सेंटर जी सेंटर ये वाला आकांक्षा जी इधर आकांक्षा जी रेशमा मैम हाउ आर यू वेरी गुड यार हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर चलो लगा रुक जा बूम लगा रुक जा बूम रुक जा अरे बूम लगा लाल बूम लगा ओके कांटी बाजू कांटी रोल कितना आ गया ये ऊपर मत थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना ले चलो रोल फर्स्टली कांग्रेचुलेशन बेवफा तेरा मासी 80 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके 90 मिलियन से ज्यादा हो गए मेरे दोनों सॉन्ग्स के मेरा वर्गा भी है एंड बेवफा तेरा मुस्कुराना तो यस आई थिंक और है जिनका आई थिंक उन्हें भी अब 100 टच हो जाना चाहिए हाउ डज इट फील फॉर यू या वेरी नाइस आई थिंक दिस year started on a very good note so I'm very happy kitna acha response mil raha hai you know show ke baad songs ko so I'm very happy about it. Okay so recently aap Bigg Boss ke ghar pe bhi gaye wahan pe bhi बहुत कुछ धमाका हुआ है तो आप क्या कहना चाहोगे यार काफी धमाका हुआ और काफी धमाका हम लोग करके आए इस चैलेंजेस मुझे लग रहा है एक तो सबको उठा के आ गए सब लोग काफी सो रहे थे तो वो टास्क जैसा हुआ मुझे लगता है और कोई टास्क नहीं हुआ बिग बॉस का एंड इट वाज अमेजिंग बट मुझे अच्छा नहीं लगा उमर जैसे अभी इविक्ट हो गए रिसेंटली एंड मेरे काफी फेवरेट थे एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो टॉप 3 में जाएंगे एंड वो इविक्शन उनका मेरे लिए काफी शॉकिंग था Do you think it was a biased decision by Bigg Boss? I feel yeah. Somehow I don't know biased or non-biased. वो तो मुझे नहीं पता. But उन्हें definitely निकलना नहीं चाहिए था. और मैं नहीं मान पा रही हूँ कि उनके fans ने उनके लिए vote नहीं किया और उन्हें support नहीं किया. उसको मैं काफी check कर रही थी. And he was everywhere trending. Yeah. And उनको yeah उनके सबसे highest I think उन्होंने सबका record तोड़ा है उनके tweets ने और उनको fans ने support नहीं किया और वो evict हो जाएंगे. This is quite surprising. Okay, so 15 की बात करूँ एक तरफ करण कुमरा ने प्रदीप को धक्का दिया था तभी उनको इफेक्ट इफेक्ट नहीं किया और उमर को इफेक्ट कर दिया तो एक बहुत गलत डिसीजन लग रहा है आई थिंक काफी बायस्ड लग रहा है मुझे ये क्योंकि सी डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि उनको काफी वार्निंग मिली थी पहले बट आई थिंक इतनी एंड में गेम में ऑलमोस्ट यू नो इतने टॉप तक आने के बाद निकल जाना काफी अनफेयर है एंड आई होप अब शमिता के साथ बिग बॉस फेयर रहे बिकॉज मैं कल देख रही थी एक फाइट जो उनकी और तेजा की चल रही थी जो काफी टाइम तक चली वो फाइट आई होप अब शमिता के साथ कोई बायस ना हो और वो टॉप में क्योंकि अब वो मेरी एक फेवरेट है जो अंदर बची है तो आई होप वो जीते ही आकांक्षा जी आसिम भाई मिले थे आसिम भाई ने बोला कि 75% से ज्यादा वोटिंग उनको मिली थी लेकिन जी. फिर भी वो विनर नहीं रहे थे बट एटलीस्ट वो शो में रहे थे और वो टॉप में हमने उन्हें साथ में देखा था बट यू नो उमर अभी टॉप में नहीं देख रहे हम इनफैक्ट अब शो में ही नहीं देख रहे तो मैं काफी मिस कर रही हूँ उन्हें शो में देखना आपने वो घर को काफी क्लोजली देखा तो क्या लगता है टॉप 4 में कौन रहेगा और एज अ विनर कौन लग रहा है अब जो मैंने देखा था वो काफ़ी अलग था उसके बाद बहुत कुछ हो गया है बट अब मुझे लग रहा है टॉप में डेफिनेटली तेजा को मैं देख रही हूँ टॉप में एंड शमिता एंड करण एंड आई होप प्रतीक भी जाए बिकॉज प्रतीक भी मेरे काफ़ी फेवरेट है पुष्पा मूवी देखी आपने ये अभी मैंने नहीं देखी है यार मेरी रह गई मैं ट्रैवल कर रही थी इनफैक्ट फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज दिस ओके सो आपको बिग बॉस के घर पे हल्का सा देख लिया तो पूरी तरह बिग बॉस के घर पे नेक्स्ट ईयर देख पाएंगे मुझे लग रहा है काफी टीजर था एक जो सब लोगों को मैं देख के आई और मैं बहुत खुश हूँ कुछ बाहर पोल चल रहा था जिसपे मेरा हाईएस्ट वोटिंग गया है तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग इतने एक्साइटेड थे मुझे बिग बॉस के घर में देख के और काफी सपोर्ट किया बहुत मजा आया इस बार का आई थिंक लेट्स सी वक्त रहा एंड सब कुछ सही चला तो लेट्स सी ओके सो लास्ट टाइमिंग मैच नहीं हो पाता यार बिग बॉस और मेरा कभी मैं बिजी होती हूं और हम लोग बस क्लैश हो जाता है हमेशा ओके सो लास्टली आने वाले समय में गाने क्या कुछ आने वाला है जी काफी कुछ आने वाला है एंड अभी बहुत एक्साइटेड हूं मैं एक सॉन्ग के लिए जो आने वाला है तो लेट्स सी एंड आपको जल्दी बहुत अनाउंसमेंट मिल जाएगा थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू